चल स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियसली कल हमने 90 तक डिस्कस कर लिए हुए थे, ठीक है? क्वेश्चन 90 तक, किसी को और कोई डाउट तो बता दो यार। 1 to 90 तक कोई और डाउट? 90, 90 इटसेल्फ, ओके। 82, 82, 82, 82। और इस अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और डाउट्स टिल 90 तक? कुछ और डाउट है तो बता दें, पहले वो कर लेते हैं। चले, 80, कौन सा? 80, 88, ठीक है। चले देखें, 82 देखते हैं। अरे थ्री चार्जेस है ना, फोर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। यहां पर पूछा है यार, ऐसे क्वेश्चन को क्या समझाया था? अगर यहां पर भी +5 होता तो आंसर क्या आता नेट सेंटर पे? जीरो। जीरो। तो डेफिनेटली यहां पर मैं +5 और -5 रख दूंगा, तो सारे +5 मिलके क्या कर देंगे? जीरो। और -5 की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? ऊपर की टूवर्ड्स तरफ। डी। और आंसर क्या आ जाएगा? के क्यू की जगह 5/ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 1/√2। बताया था ना, L√2 होती है फुल डायगनल, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो आते हैं हाफ डायगनल। क्लियर? सो 1/√2 का स्क्वायर। समझा कि नहीं यार सभी को अभी? अच्छा हाँ, तो ये सिंपल आइडिया था, डी के टूवर्ड्स होगा, मतलब आंसर ही दिख रहा है कि टूवर्ड्स डी ए की ऑप्शन दिख रहा है। ओके समझा यार, 82 कैसे फास्ट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, क्लासरूम में करवाया हुआ है, +5 ऐड करना, -5 करना। +5 वाले ने सबके साथ मिलकर जीरो कर दी नेट फील्ड, और रिमेनिंग -5 वाली करेक्ट हो गई। 88 देख हो लेते गया हैं, सर। हो गया। ओके 90 देख लेते हैं। ओके तो ये यार देखो, एक शेल है और एक क्यू चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे। सेल को कितना चार्ज दिया है? क्यू। पोटेंशियल कहाँ पर पूछ रहा है? R/2 पर। तो क्या समझाया है यार कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दोनों के वजह से ऐड होगा। मान लेते ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये चार्ज क्या ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 का पोटेंशियल प्लस V2 V2 का। अभी V1 है, शेल है, शेल के अंदर V क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है, मतलब आंसर K³/R ही रहने वाला है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने R/2 पे पूछा है, जबकि ये तो एक चार्ज है, चार्ज के लिए फॉर्मूला रहेगा K³ जो भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है? आर आर बाई बाय टू मतलब 2 K³/R, ये हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है तो फिर? बी ऑप्शन मिल ठीक है। चले 95 तक बताएं डाउट। सर। 88 एक बार 88, चलो देख लेते हैं। 88, 86 में। 86 भी देख लेंगे, 88 देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फ्री स्पेस। अरे कल ही तो ये वाला बताया था ना कि अगर हमें ट्राई करना है, पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज क्यू इज दिस, मतलब मुझे पता है क्या कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज के लिए K³/R। तो क्वेश्चन में इसका मतलब क्या दे रहा है आपको कि ये वैल्यू कितनी है? K × 10⁻¹⁷। तो क्यू कैंसिल आउट हुआ और के हमें ऑलरेडी पता है 9 × 10⁻⁹। तो यहां से क्या फाइंड कर लिया आपने? आर पता चल गया ना, आर कितना आ गया? 9/9 × 10⁻²। समझा? अब क्या पूछा है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो। अच्छा 4π ε₀ वगैरह दिख रहा है तो वो वहां पर रख दो वापस से। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पर? K³/R² मुझे 4π ε₀ बार बार लिखा है तो आप लिख दो,
कि इसका मतलब क्या होता है, 1/9 × 10⁻¹. बिकॉज सारे क्वेश्चन में कह रहा है इस तरीके से, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे अपन. समझा या नहीं बताएं? Yes. तो सिमिलर क्वेश्चन एक आया हुआ था, बस वही पैटर्न है. ओके okay? 86 देखें. ओके तो इसका मतलब ये है कि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहां पर दी हुई है. ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है. यूनिट देखो ये क्या दी हुई है, फील्ड. डाइइलेक्ट्रिक वर्ड जो आता है वो मैं पोलराइजेशन में बताऊंगा कि मॉलिक्यूल्स जब चार्जेस क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, मतलब एक अनचार्ज्ड बॉडी की जगह वो चार्ज्ड बॉडी बनने लगती है, उसको हम बोलते हैं. जैसे हमने अभी देखे थे बहुत सारे कि स्पार्क आ जाएगा, मतलब एक्सेसिव चार्ज आ जाएगा. तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पर यूनिट से पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे हैं. ओके यस सर. हाँ तो बस डायरेक्टली वैल्यू आपको रख देनी है के क्यू बाई आर से, आर स्क्वायर से कंपेयर करा दो. चलो 95 तक बताओ डाउट्स. 94 95. ओके चले देखें. पोटेंशियल दिया है, क्या पूछा है, फील्ड. तो यार बताया था ना कि अगर फील्ड वेक्टर निकालना पड़ेगा पहले, तो क्या करेंगे, पार्शियल पार्शियल डिफरेंस. तो जेड तो जीरो, ये जीरो, क्या आएगा माइनस फाइव, बाहर एक माइनस है, माइनस फाइव आई कैप. फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, थ्री जे कैप. फिर z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, रूट रूट 15 k कैप. अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो समझ गए आप, क्लियर है नहीं? हाँ सर. ये तो बड़ा इजी सा पार्ट है. देखें यार, पहले क्या हुआ है, उनको चार्ज किया और वायर से ज्वाइन कर दिया है. अगर ज्वाइन किया है तो क्या सिचुएशन होती है, अगर आपने दो स्फीयर को ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली उस पर कुछ भी चार्ज आए वो दोनों चार्ज क्या रहेंगे, इक्वल सेम रहेंगे. ऐसा कुछ होता है क्या, सेम रहेंगे नहीं, सेम कब रहेंगे, जब दोनों रेडियस पे डिपेंड करेंगे. वेरी गुड. तो क्या पॉइंट होगा कि चार्ज उनका है स्टोरेज पे डिपेंड करेगा. अगर ये R1 है और ये R2 है तो किस पे डिपेंड करेगा चार्ज, रेडियस पे. Q1 by Q2 क्या होगा, R1 by R2. और हमें फाइंड क्या करना है अभी, E1 by E2. तो E1 by E2 मतलब Q1 by Q2 into R2 by R1 का स्क्वायर. तो Q1 by Q2 खुद R1 by R2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ ऑलरेडी एक बार आ चुका है ना, नहीं डीसी पांडे में था सर. हाँ ठीक है, चलो अप टू 100 बताएं. 100 बहुत डिमांड में, और कोई क्या अप टू 100? देखें 100. ठीक है, ये तो वही हुआ ना कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा है. अब मुझे पता है कि इस चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगी, हर तरफ होगी. अब हमें कहां पर चाहिए फील्ड, इसके अलोंग चाहिए. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि चार्ज रखा है यहाँ जबकि पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, 2, 0 मतलब ये हुआ ए पॉइंट और दूसरा कहाँ है, √2, √2. जरा इसकी डिस्टेंस निकालो, √2 और √2 क्या है, डिस्टेंस 2. क्लियर. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है
इसकी ओवरऑल डिस्टेंस यहां कहीं पर है, रूट टू इधर भी और रूट टू इधर भी, क्लियर? Yes. अच्छा तो ये हुआ ए और ये हुआ बी, हमें कहां से कहां जाना है, ए टू बी। क्लैरिटी है या नहीं कि क्या चल रहा है? Yes, sir. अब हमें क्या चाहिए, मेन चीज क्या चाहिए, हमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, दो चीजें चाहिए, क्या क्या? ए ऊपर एंड बी नीचे, ए टू बी। अच्छा ए है फिर बी, ओके उल्टा है, कोई बात नहीं, ये है ठीक है। तो मतलब अभी इस तरीके से उसे जाना है, ए ऊपर है बी यहाँ है, ठीक है। तो हमें दो चीजें करनी है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो दो आइडिया बताए थे क्या, देखो यहाँ पे वेक्टर लिखना तो कॉम्प्लिकेटेड है, बट मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो दो चीजें कर सकता हूँ, ई पैरेलल टू डी यूज कर सकता हूँ और ई इंटू डी पैरेलल टू ई। तो यार ई तो यहाँ पर बार बार बदल रहा होगा ना, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, समझा कि नहीं? Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो यार ई वेरिएबल हो जाएगा ना, आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम, ई वेरिएबल हो जाएगा, इसका मतलब ई से वी का कन्वर्जन नहीं करना है, आइडिया समझा कि नहीं? सर वी एट ए माइनस वी एट वही वही करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ई से मतलब ई से वी के कन्वर्जन पे कुछ नहीं ध्यान देना है, चार्ज दिया है बहुत ही सिंपल वे पे हम सीधा क्या लिख सकते हैं, v at a निकाल लो, v at b निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना? तो वो थॉट देना है कि e पैरेलल या d निकाल ही नहीं सकते, e वेरिएबल है पूरा यहाँ पर। सर 99 एक बार बता दो, 99 देखते हैं, चलो ओके ओके ठीक है। तो पॉइंट क्या होगा, जब ये पॉइंट चार्ज रखा होगा और हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल, तो इसका मतलब ये कंडक्टर के इंडक्शन वाली प्रोसेस पर बात आ गई है क्या, कि ये एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो हॉलो कंडक्टिंग में चार्ज अंदर रह सकता है क्या, नहीं। तो हॉलो कंडक्टिंग में चार्ज आप कहीं पे भी दो, किसी तरीके से भी दो, क्या चीज ध्यान देनी होती है कि कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे कहीं पे भी पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। हाँ तो अगर आप देखोगे कि नेट इफेक्ट क्या होगा, तो नेट इफेक्ट हमेशा तीनों सबका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। लेकिन सोचो अगर मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ दीज आर द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज P, तब बताओ आंसर क्या होगा, V से हाईएस्ट, कहां पर हाईएस्ट, C पॉइंट, A पॉइंट पर, C पॉइंट C पर हाईएस्ट, फिर मतलब सिंपल सी बात है, किन बातों पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, वो होगा P का इंडिविजुअल इफेक्ट, बट इंडिविजुअल इफेक्ट मैटर नहीं करता है, फाइनल जो ओवरऑल होगा वो क्या होगा, सब पे से। अच्छा इस पे एक सिनेरियो और है, ठीक है ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना, अभी इसमें आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं कि और कंडक्टर में क्या क्या चेंजेस होते हैं अगर हम बाहर एक चार्ज रख देते हैं, ठीक है बताए 105 तक, 102 और कोई 105 तक, 103 ठीक है, चले 102 देखें। ठीक है एक चार्ज को दूसरे पॉइंट से 0, a से 1, 0 तक लेके जा रहे हैं, फिगर दिया है कुछ ये, तो b से कहां लेके जा रहे हैं, a तक, हमें क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए ना, तो वर्क डन तो मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, इस पर दोनों का पोटेंशियल माइनस करके इनटू
वर्क डन कर लो, क्लियर। तो दोनों सेम डिस्टेंस पे है अगर, तो पोटेंशियल क्या आएगा दोनों पॉइंट का? सेम। तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, क्लियर है? यस सर। हाँ, 03 देखें सर, आ गए, आ गए। ओके, 8 चार्जेस हैं, ये कराया ना नोट्स में, कराया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी लिखना। वन टेंथ का बताइए। हाँ, 105 देख लेते हैं। ओके, ये तो कराया हुआ है ना, देखो कल बताया था इस चीज को लेके कि ये सेल है और यहाँ पर क्या रख दिया, एक क्यू चार्ज, जबकि सेल के आउटर उसमें क्या है, प्लस क्यू। ये शेल है आर वन आर टू रेडियस का, कहां पर पूछा है? आर टू से ज्यादा पर, कहां पर? आर टू से ज्यादा। तो यार अगर बाहर देखोगे ना तो कोई टेंशन होगी ही नहीं, बाहर पर फील्ड वगैरह पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंडक्शन जब आप देखोगे माइनस क्यू और ये क्या होगा, प्लस क्यू, इंडक्शन करेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो पॉइंट ये है कि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जब आप आउटसाइड देखोगे तो शेल माइनस क्यू का है ना, उसे कंसिडर तो सेंटर पे ही करोगे ना, मतलब माइनस क्यू के वजह से डिस्टेंस ये वाली ही देखोगे और प्लस क्यू के वजह से भी यही डिस्टेंस। तो जब आप आउटसाइड द ऑब्जेक्ट चेक करते हैं तो इंड्यूस्ड चार्जेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किन दोनों के वजह से आएगी? सिर्फ क्यू और स्मॉल क्यू, क्लियर। यार समझा कि नहीं सभी को, इंड्यूस चार्जेस का फील्ड या पोटेंशियल में इफेक्ट बाहर नहीं आता, क्योंकि हमेशा अगर माइनस इंड्यूस हुआ है तो प्लस भी इंड्यूस होगा ना, और दोनों का नेट इफेक्ट क्या करेगा, कैंसिल। ओके, चले 110 तक बताएं। 108 107 ठीक है। ठीक है, सेंटर ऑफ स्क्वायर पे है। अरे यार डायगनल अपोजिट पॉइंट पे मूव कराओ, कैसे भी मूव कराओ, अगर चार्ज यहाँ है तो डिस्टेंस सेम होगी ना, ये दोनों पॉइंट क्या बन जाएंगे, इक्विडिस्टेंट, सेम पोटेंशियल होंगे ना, इक्विडिस्टेंट है, इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे ना। सिंपल है ये तो, है ना। ओके, एक क्या है, हॉलो है और एक सॉलिड है, दोनों कितना चार्ज कैरी करेंगे? तो यार बताया ना कि मेटल में सॉलिड का कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, चार्ज उसमें बाहर ही आ जाने वाला है। दोनों की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? रेडियस पर। ठीक है, अरे 110 बताएं, 110 कैसे डाउट है यार, अभी तो 107 देखा ना। अगर ये चार्ज है भाई तो ए पर पोटेंशियल वही आएगा ना, KQ / R जो बी पर आएगा। वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है, Q into delta V पे ही डिपेंड करता है बस। ओके, यस सर। हाँ, चलो 15 तक बताएं फिर।
15 तक सारे हो गए क्या? ओके गुड, 20 तक बताएं. 18 और 20. कौन सा? 18 एंड 20. 18 एंड 20. कोई और क्या 18 एंड 20 से? 16. कौन सा? 16. ओके चलो देखें. ओके तो क्या किया है, ए को चेंज करना है किससे? डी से. तो मतलब यहां माइनस क्यू आ गया, यहाँ प्लस क्यू. दूसरा बना लेते हैं, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस, और बी को सी से. मतलब यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू. तो देखिए सेंटर पे क्या फर्क पड़ेगा. सर पोटेंशियल को फर्क पड़ेगा क्या कुछ? नहीं, वो तो स्केलर है. सबकी डिस्टेंस क्या थी? सेम थी, अभी भी सेम है. वेक्टर देखना पड़ेगा, प्लस से फील्ड का वेक्टर अपोजिट, इस प्लस से अपोजिट, नेगेटिव वाला इस तरफ, इस तरफ. तो फाइनल रिजल्टेंट किधर आया? इधर. चलो स्विचिंग में देख लेते क्या हुआ. प्लस वाला इस तरफ, ये प्लस इस तरफ, दोनों का नेगेटिव, ये मतलब सारे वेक्टर अभी भी वही है, सिर्फ फर्क क्या हुआ, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया. क्लियर? तो अगर वेक्टर की बात आएगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर मतलब डायरेक्शन के साथ है. ओके एटीन देखें. ओके फिर से वही बात है, यहाँ पे यार इंडक्शन की बात आ जाएगी, कंसेंट्रिक सेल. वैसे मैंने यार ऑफिशियली ऐसा पढ़ाया नहीं अभी आपको ये कंसेंट्रिक सेल का प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी एक आइडिया तो लग गया था ना. मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पोटेंशियल मतलब क्या करना होता है, सब मिला के बताना होता है ना, ए बी और सी. क्लियर? चलो क्या क्या है, ए बी और सी. ए को कितना मिला? सिग्मा. ये सिग्मा, ये माइनस सिग्मा और ये सिग्मा. क्लियर ना? पोटेंशियल किसका बताना है? ए का. तो बताओ बेटा ए का पोटेंशियल तो पहले खुद ए का होगा. क्या होगा ए का? देखो आंसर किस फॉर्मेट में दे रहा है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मेट में दे रहा है. टेंशन नहीं लेना है, अपन चाहिए तो लिख सकते हैं क्या, के क्यू बाई आर. क्यू को किस में लिखना है? सिग्मा के टर्म्स में. तो क्या लिखेंगे इसे? सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर, ठीक. ये आर तो पोजीशन है. ओके इस फॉर्मेट में भी अपन उसे देख सकते हैं, तो अपन ये बाद में कन्वर्ट कर लेंगे ये चीज, ठीक. अच्छा अब बट सारे आंसर सिग्मा के टर्म्स में ही दिए हुए हैं, तो बेटर है कि हम कन्वर्ट कर ले. के को क्या लिख देंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो 4 पाई कैंसिल आउट हो गया. देखें फाइनल आंसर क्या आया. पोटेंशियल लिखेंगे अब हम, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला रहेगा के आर स्क्वायर अपॉन आर एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? ये क्लियर है या नहीं? ये हुआ पैटर्न. अब वापस आते हैं, क्या करना है हमें, जब हम ए का पोटेंशियल लिख रहे होंगे, ए का, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा एक्चुअली हमारा, ए इनकी रेडियस क्या है, ए है ना? Yes. हाँ तो ऊपर डेंसिटी में ए स्क्वायर और नीचे ए, तो क्या आएगा के ए, क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए. चले के बी फाइंड करते हैं. तो के बी, सॉरी के ए फाइंड करना है, मुझे चाहिए के ए ड्यू टू बी. क्या चाहिए? के एट ए ड्यू टू बी. तो B के लिए तो ये पॉइंट इनसाइड ही है ना, तो B के लिए कोई भी चीज चेंज होगी क्या? नहीं. तो B के लिए क्या आएगा? R स्क्वायर मतलब B स्क्वायर, और ये R क्या रखेंगे? B ही रखेंगे, क्योंकि B के वो अंदर है. तो क्या आएगा आंसर? माइनस का सिग्मा B बाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर ना? सेम चीज K एट A ड्यू टू C, ये अभी भी इनसाइड है,
अगर इनसाइड है तो डिस्टेंस सी ही यूज करेंगे, सो सिग्मा सी स्क्वायर बाई एक सी से कट हो जाएगा, ओके तो स्टेट रिलेशन आ जाएगा, क्लियर है ये? लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल लिखना सिखाया था यार, सबका नेट रिजल्टेंट लिखते हैं वहां पर, और ये बताया था कि सिग्मा और क्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को। चलिए 20 की बात करते हैं, अरे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ा है यहां तक उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जब इन दोनों के बीच पोटेंशियल पता है तो वर्क डन ही क्या दे रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी, मतलब Q into delta V, मतलब E into delta V 20 वोल्ट दिया है is equal to half into M into V square, इसमें क्या था यार भाई 120 में, मतलब क्या क्या थॉट ही नहीं दिया क्या तुम लोगों ने, वर्क डन चाहिए होगा यहाँ पर, आंसर नहीं आ रहा था, ये करने के बाद भी नहीं आ रहा, यही किया बाद में वो बाकी कुछ दिया था इसलिए अलग सोच रहा था फिर। अच्छा डिस्टेंस दिया था तो उसको यूज करने का सोचने लग गए थे क्या, आपके अलग डायग्राम में अलग। हाँ तो वो डिस्टेंस के बारे में नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल में इन चीज दिया है ना और पाथ फंक्शन नहीं है तो ये मैटर नहीं करता कि कितनी दूर आप रख दो, अगर मैं बोल दूं कि ये पॉइंट में बीच में फील्ड उल्टा है फिर आगे है फिर पीछे कुछ भी है, अगर मुझे इन दोनों का पोटेंशियल पता है तो डेफिनेटली यहाँ से स्पीड अप होगा फिर डाउन होगा फिर स्पीड अप होगा, कुछ भी करके यहाँ वो उसी स्पीड में पहुंचेगा जो कि एनर्जी कंजर्वेशन बता रही है, ओके ये चीज समझा कि नहीं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में वर्क डन को, यस चलो 25 तक बताएं, 24 भी भाई 25 यार क्या डाउट है यार, क्या मजाक है, ये बताया नहीं है क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो सबसे कम एक और सबसे ज्यादा बी, चलो 22 से देखें, अरे यार ड्रॉप है ना और 8 मिलके बना रही है तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाओगे ना, 8 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब आर वन क्यूब या स्मॉल आर मान लेते हैं विल बी, इसका जो वॉल्यूम है सॉरी माय मिस्टेक स्मॉल आर ठीक है, छोटे वाले 8 ड्रॉप का वॉल्यूम बराबर है बड़े वाले ड्रॉप के, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर आ गई ना, क्लियर, नाउ इफ द पोटेंशियल ऑन ईच ड्रॉप कितना था 10 वोल्ट, then the potential of bigger drop, तो बताओ क्या चीज कंजर्व रहेगी, क्या पोटेंशियल कंजर्व रहेगा, नहीं बताओ कौन सी चीज कंजर्व है, चार्ज, चार्ज कंजर्व क्या है Q, तो मतलब मुझे बात करना पड़ेगा कि अगर एक छोटी सी ड्रॉप में स्मॉल Q था तो फाइनल का 8 Q ही रहेगा, क्लियर ना, तो मैं स्मॉल वाले को सॉल्व करूंगा, क्या देखिएगा आप मैं क्या लिखूंगा, V is equal to K Q by R, ये क्या है एक का पोटेंशियल है, एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है 10, अब मैं जब बात करूंगा बिगर की, तो बिगर की खास बात क्या है कि उसका पोटेंशियल जब फाइंड करना है तो K into उसके पास चार्ज कितना आ जाएगा पूरा 8 क्यू आ जाएगा अपॉन
कैपिटल आर, डन। तो यहां से सॉल्व हो जाएगा, कैपिटल आर इज टू आर, तो एट के क्यू बाई टू आर, इसे क्या लिखा है 10 वोल्ट, तो आंसर कितना हो गया 40 वोल्ट। समझा कि नहीं? तो 122 तो अच्छा ही क्वेश्चन है, काफी क्लैरिटी है। Yes, sir. इसने प्रीवियस कॉन्सेप्ट ये यूज किया है कि यार वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी चीज दोनों में सिमिलरिटी के थ्रू आएगी, वो है चार्ज। ओके चले 24 देखते हैं। यार ये रहने दें, सुने तो, कॉन्सेंट्रिक सेल का भी रहने दें यार, अभी बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, आप सुने, कॉन्सेंट्रिक सेल को अभी छोड़ दें। जितना मैंने अभी आपको बताया ना कॉन्सेंट्रिक सेल में, उतना काफी है। कॉन्सेंट्रिक सेल पे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स होंगे पूरे, तो वहां पर अपन पूरा प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे कि कैसे इंडक्शन होगा, 4-5 एग्जाम्पल देंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको होल्ड करके रखें, कॉन्सेंट्रिक सेल सिखाने के बाद आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके सर, उसमें जो सिंपल स्टेट है, सिर्फ पोटेंशियल लिखना, ये तो ऑलरेडी आपको बता दिया है, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, जिसमें भी इंडक्शन या कनेक्शन है उसे अभी स्किप करें। अरे कंडक्टिंग स्फीयर है, सेंटर पे क्या बताना है, फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड क्या होगी सेंटर पे, और पोटेंशियल थोड़े जीरो हो जाएगा। क्लियर? ये किसने पूछ लिया यार, मतलब समझा नहीं मुझे। चलो नेक्स्ट बताएं, अप टू 30 29 29। ओके 30, ठीक है, चलो 29 देख लेते हैं। ओके, तो यार हमें फील्ड पता है, ठीक है, हमें फील्ड पता है, और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, ठीक है, तो मुझे पता है कि ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या है, जीरो, हमें किसी कोऑर्डिनेट पर पोटेंशियल चाहिए, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इससे कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, अभी प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे कहा है क्या कि ईएक्स और ईवाई वेरिएबल है या नहीं है, नहीं नहीं कहा है, ये बात समझ आई कि नहीं, तो कहीं पे अगर नहीं कहा है तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्या लिख लो, ई वेक्टर लिख लो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लो, क्या होगा आंसर, ये हो गया ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। मैं क्यों इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं पता, अगर पता होता तो डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करता और लिमिट रखता 0 टू एक्स। समझा कि नहीं, मैं ये कर रहा होता अगर मुझे पता होता कि ई एक्स क्या है, कोई फंक्शन है, बट डेफिनेटली कुछ दिया ही नहीं है तो इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, तो सिंपल लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस माइनस ई डॉट डी आर या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब क्या समझाया था कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है पोटेंशियल भी उसी तरीके से लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपने क्या लिखा होगा, ओरिजिन को जीरो माना होगा और इसे बाद वाला लिखा है ना, तभी तो एक्स ये लिखा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ओरिजिन माइनस वी एट अ गिवन पॉइंट। ओके हाँ सर, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, तो क्या लिखा होगा, वी माइनस वी नॉट, समझा सर। हाँ अभी इन द डायरेक्शन पोटेंशियल कम होगा ना, तो वी नॉट ज्यादा होना चाहिए ना। अरे 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 वो सब छोड़ो, वो तो बिना मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, क्या रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकाला था यार उस दिन के डिस्कशन का, कि डेल्टा वी में माइनस ई डॉट डी आर में
ई डॉट डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट कौन सा लिखते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं वही वाला वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज आपको लिखना है वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या यूज करेंगे, आर ए बी। क्लियर, ये आइडिया था। तो यहाँ पर हमने अभी क्या किया है, एक्स माइनस ओरिजिन किया हुआ है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स माइनस ओरिजिन। ओके हाँ, तो इसी थॉट को रखना है ताकि एग्जाम में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक ही आइडिया बना के रखो और उसी को ही रिपीट करना है। तो माइनस इन दोनों को डॉट करा दे, तो माइनस ई एक्स डॉट एक्स माइनस ई वाई डॉट वाई। ओके समझा? यस सर। ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी साइन वगैरह की बातें आ गई ना, तो बस इसी चीज को दिमाग में रखो कि जिस तरीके से पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट लिखोगे वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे। 30 अरे ये क्या बात हुई, एक स्फीयर है एक बी है, इस प्रोसेस में क्या हुआ कि इससे दो इलेक्ट्रॉन चले गए किसके पास, बी के पास। तो इसका चार्ज कितना हो गया, माइनस टू ई, बट इसका चार्ज कितना हो गया, प्लस टू ई ना। तो इन दोनों का जब पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस टू ई और ये माइनस टू ई कितना आ जाएगा, प्लस फोर ई जितना आ जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, के, और यहां पर क्या आएगा, फोर ई आएगा। समझा या नहीं यार? Yes, sir. और यहाँ पर अपन ने लिख दी है, बस सॉल्व कर दो। तो मेन चीज इसमें यही ये सॉल्व करना था कि बाकी पूरा सॉल्व कर लो, माइक्रो आ रहा है मिली आ रहा है देख लो, आंसर डबल वाला होगा तो डेफिनेटली 64 वाले ही होंगे। क्लियर है? Yes, sir. बट अच्छा क्वेश्चन था ये, 130 अच्छा था। थोड़ा ये मिस हो जाता है कि सब लोग सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस टू ही होगा, नहीं, एक प्लस टू ही एक माइनस टू ही, तो टोटल डिफरेंस फोर ही आ जाएगा। बताएं 35 तक डाउट्स। वन थर्टी थ्री ये आप लर्न भी कर सकते हो, देखो नोट्स में ऐड करो इसे, ये वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। क्या हुआ था देखना, नोटिस करना, जो बिगर ड्रॉप थी आर वो आता है क्या, क्यूब रूट ऑफ एन, याद है? एंड पोटेंशियल जब लिखते हो आप क्या, मान लेते हैं आर टू इसे आर वन, तो V2 by V1 में रिलेशन क्या आता है, Q2 by Q1 and R1 by R2, जबकि Q क्या होता है, N times हो जाता है ना Q2, तो ये आएगा N, ये आएगा N, और जबकि R1 by R2 क्या आएगा, 1 by N to the power 1 by 3, तो आंसर क्या आएगा, N to the power 2 by 3। ये लर्न भी रख सकते हो, बहुत काम में आएगा ये सेक्शन पूरा। क्लियर है ना, समझा कि नहीं यार, ये दोनों स्टेप हमने कैसे यूज किए हैं इसे। ऐसा क्वेश्चन ये कोली इसमें फ्लूइड में भी एक दो बार आया है ना, इस टाइप की चीजें थोड़ी। चले 35 तक बताएं कोई डाउट क्या। यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, शीट में जो क्वेश्चन है ना वो सारे एकदम परफेक्ट हैं, हर टाइप के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे शीट के क्वेश्चन। शीट को आप लोग बहुत अच्छे से और ध्यान दें, उसके बाद डीसी पांडे बुक सॉल्व करें तो आपको थोड़ा सा रिलेशन भी समझ में आता जाएगा। चले 140 तक मैं बताएं डाउट्स। 32 भी किसी ने बोला, 36
चलो देखें 32 देख लेते हैं। ये क्या मजाक है, सिमिलर क्वेश्चन आया था ना कल भाई, सिमिलर क्वेश्चन आया था या नहीं? ये डी दिया हुआ था यार, इनका पोटेंशियल दिया हुआ था और एक बैटरी, एक ऑयल ड्रॉप को हैंग करना था, तो इसका एमजी किसे बैलेंस करेगा? क्यूवी को। क्यूवी ने बैलेंस किया एमजी को, और काम की बात थी कि एमजी को वी बाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये हुआ क्यूवी बाई डी इज इक्वल टू एमजी, यहां से फाइंड कर लिया था भी। भाई जिसने डाउट पूछा 32 समझाया नहीं? यस सर। हाँ कल यही क्वेश्चन किया था यार, कल ध्यान देना चाहिए था आपको, आज ये बन जाना चाहिए था क्वेश्चन। 36 देखें। ओके इसका मतलब ये हुआ देखो क्या कि एक यूनिफॉर्म फील्ड में विस्कोसिटी दी है, तो मुझे पता है कि विस्कोसिटी होने के वजह से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है, किससे? कांस्टेंट स्पीड से, बट उसपे क्या लगेगा? एक विस्कस फोर्स, या उसे बोलते हैं ड्रैग फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ड्रैग लगेगा तो कोई सेम अमाउंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा रहा होगा ना, तभी तो मेंटेन है वो। समझा या नहीं? आइडिया ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक उसे रन कराने का ट्राई कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी गेन करेगा, ड्रैग फोर्स बैलेंस कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक को, फिर वो टर्मिनेट हो जाएगी वेलोसिटी, जिसे हम बोल सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी से फिर वो आगे जाता रहेगा। क्लियर ना? यस सर। ठीक है, तो उसने यूनिफॉर्म फील्ड ही बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि ड्रैग फोर्स बराबर होगा। तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला बताओ यार, अगर विस्कोसिटी गिवन है, क्या आती है? आराम से, अगर हम सिंपल फोर्स की बात करें, स्फेरिकल की बात कर रहे हैं, तो स्फेरिकल में हमें ऑलरेडी बताया रखा हुआ है क्या फॉर्मूला होता है, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इन टू ई, बस जो सारी चीजें चाहिए फाइंड हो जाएगी। क्यू पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, ओके? क्यू को लिख दो एन ई, तो एन पता चल जाएगा। समझा ना? यस सर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, रिलेट किया हुआ है दूसरे चैप्टर से। बस 40 देखें। अब देखो इस बार दे दिया ना पोटेंशियल कैसा, मतलब वेरिएबल दे दिया ना, तो क्या करना पड़ेगा अपन को? इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब होगा हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, किसे? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब क्या समझाया था, आई कैप के साथ हमेशा क्या आता है? अब कुछ लोग क्या करते हैं, वाई है तो जानबूझ कर डी वाई लिखेंगे। क्या ऐसा सिखा है क्या? वर्क एनर्जी पावर में भी ये सेम चीज मैंने समझाई थी, डी वाई नहीं लिखते। डी वाई या डी एक्स किससे पता चलता है? आई कैप से। इसका मतलब आंसर होगा वाई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एक्स इंटू डीवाई। अब ये हम कर ही नहीं सकते सॉल्व, ये अपन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना? ये कब कर सकते, जब कुछ देता कि वाई किसका फंक्शन है, एक्स किसका फंक्शन है। समझा कि नहीं यार, बात समझ आई कि नहीं? यस सर। बट अगर हम नहीं कर सकते तो हम रिवर्स करने का ट्राई करेंगे। अगर हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो अब हम ट्राई करेंगे कि ऑप्शन में किसको डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा। समझा कि नहीं? क्या जाना चाहिए इसका? अगर मैं इंटीग्रेशन देखूं तो ये है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये है ना। अब मुझे देखना है किसको डिफरेंशिएट करके ये मिल जाएगा। एक्स वाई को करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स प्लस डी वाई। समझा? कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे जीरो, एक्स स्क्वायर को करोगे टू एक्स
dx plus 2y dy. थोड़ा गड़बड़ी है, xy को करो, दो फंक्शन है x into dy plus y into dx. देख लो ये क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ xy, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा xy. अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था. समझाया नहीं यार सबको? यस सर. हमें थॉट देना पड़ेगा इसके लिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, मतलब ऑप्शन से ही कर पाओगे, ऐसे थोड़े ना गेस करने लग जाओगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है. नहीं, आपके पास लिमिट है, चार ऑप्शन है, डेफिनेटली आप तुरंत डिफरेंशिएट करके चेक कर लोगे. ओके यस सर. चले बहुत बढ़िया यार, नेक्स्ट बताएं 45 तक डाउट्स. 45 से पहले कोई और? नहीं सर. ओके बहुत बढ़िया यार, फिर देखें 45. ठीक है कोई बात नहीं, अब हम समझते हैं यहां पर एक नई चीज आई है, क्या e.dl. क्लियर? तो e.dl है क्या एग्जैक्टली? आप जानते हैं ऑलरेडी क्या है ये? पोटेंशियल. पोटेंशियल कहां से? इनफाइनाइट से लेके जीरो तक. ठीक, तो मतलब हमें पोटेंशियल को ही मतलब कैलकुलेट करना है. आइडिया समझ आया कि करना क्या है? अच्छा, अब कैसे करना है वो समझे. एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है 0.5 मीटर रेडियस की, तो ये रिंग है. ठीक, टोटल चार्ज इसको मिला है क्यू कुछ, टोटल हमने क्यू चार्ज देख लिया और आर इसकी रेडियस देख ली. ओके, एल बीइंग सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब कहां से कहां तक चाहिए हमें? एल इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट. तो हमें पता है ऑलरेडी कि v एट इनफाइनाइट क्या होगा? जीरो. और v एट जीरो क्या होगा? भले ही ये नॉन यूनिफॉर्म है, अच्छे से ध्यान दो, ये नॉन यूनिफॉर्म है, फील्ड निकालना कंफ्यूजन है, लेकिन पोटेंशियल तो स्केलर है ना, फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा q उठा रहे हो, सबको ऐड करोगे तो फाइनल तो आंसर के क्यू बाई आर ही आएगा ना. समझाया नहीं? इवन नॉन यूनिफॉर्म है, क्यू अलग अलग है, क्यू ये अलग अलग है, बट फर्क नहीं पड़ता. अगर सबसे सेम डिस्टेंस पर आप देखोगे तो सबका फॉर्मूला के क्यू बाई आर होगा ना, तो मतलब सारे क्यू ऐड हो जाएंगे, मतलब टोटल क्यू ही आएगा. ठीक है चले 50 तक बताएं. 48. अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, और कोई टिल 50? चले रीड करते हैं 48. ठीक है, मतलब ऐसा है कि एक सिलेंडर है, उसी के कोएक्सियल दूसरा सिलेंडर है बड़ा, ये हो गया दूसरा सिलेंडर. क्वेश्चन समझा? A long hollow conducting cylinder is kept coaxially inside another long hollow conducting. मतलब दोनों hollow हैं, ठीक है? अब देखें समझे, दोनों neutral हैं. A potential difference appears between the two cylinders when a charge density is given to the inner. ठीक है, ठीक है. मतलब हमने क्या दिया? Inner वाले को क्या दिया? एक charge दिया. समझना? अगर आपने इनर वाले को चार्ज दिया तो ये क्या करेगा? तुरंत यहां पर नेगेटिव इंड्यूस करेगा और यहां पर पॉजिटिव. यहां तक क्लियर है? यार ये समझा कि नहीं? यस सर. यस सर. अब हमें चाहिए कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसका वाला पोटेंशियल तो जो KQ by R के फॉर्मेट में रहेगा वो रहेगा ही,
ठीक है, इसका पोटेंशियल बदल जाएगा ना, क्यों? क्योंकि इस पे अब नेगेटिव चार्ज भी आ गया और पॉजिटिव। लेकिन क्या बताया था मैंने कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से जब दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं, इफेक्ट क्या होगा इन दोनों का? जीरो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी भी अगर मैं बाहर वाले का नेट पोटेंशियल देखूंगा तो जीरो ही आएगा, मतलब बाहर वाले पर जो पोटेंशियल आएगा वो किसकी वजह से आएगा? इनर वाले की वजह से ही आएगा। तो मतलब हाँ, डेफिनेटली दोनों पे चार्जेस बने रहेंगे। ओके, नेक्स्ट एक बार ऑप्शन रीड करते हैं, ऑप्शन से थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि पूछ क्या रहा है। अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स व्हेन टू सिलेंडर्स व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर। नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स व्हेन द टू सिलेंडर्स व्हेन यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस। ठीक है, नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स व्हेन द टू सिलेंडर्स व्हेन सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू बोथ ऑफ द सिलेंडर्स। ठीक है, मतलब हमें सारे केसेस है समझ लेने हैं। फर्स्ट केस तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है। दूसरा एक बार ट्राई करते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स व्हेन द टू सिलेंडर्स व्हेन अ चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर। अब देखो, अगर आप आउटर को चार्ज दोगे तो क्या होगा? अगर आपने चार्ज आउटर को दिया हुआ है तो उसके वजह से पूरा इनसाइड क्या इंडक्शन होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड वाला तो हायर पोटेंशियल पर रहता है। तो इनसाइड क्या रहता है हमेशा? पूरा पोटेंशियल क्या रहता है इनसाइड? हॉलो के, अरे हॉलो के अंदर क्या रहता है पोटेंशियल? कांस्टेंट रहता है। तो क्या सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या अगर बाहर वाले को दिया? नहीं। तो अगर हमने अंदर वाले को दिया तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन बाहर वाले को दिया तो नहीं आएगा, क्योंकि अंदर मेंटेन रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स व्हेन द टू सिलेंडर्स यूनिफॉर्म। ये मतलब ये हुआ कि अगर हमने चार्ज यहां पर रख दिया तब क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? तो देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इस चार्ज की वजह से इंडक्शन होगा यहां पर, क्लियर, और इस चार्ज की वजह से यहां पर इंडक्शन। पॉइंट समझा? तो बेसिकली इंडक्शन की वजह से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है, मैं इस चार्ज की वजह से ही देखूंगा कि पॉइंट वन पर कुछ पोटेंशियल आएगा, और पॉइंट टू तो इससे दूर है ना, तो कुछ डिफरेंट पोटेंशियल आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल रहना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब नो पोटेंशियल डिफरेंस ये भी गलत है, पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए। ओके, अगर हमने क्या किया, फोर्थ केस क्या है, अगर हमने क्या किया, सेम चार्ज डेंसिटी दोनों को दे दी, क्या दे दी इसको, इसको दे दिया क्यू, और इसको भी दे दिया क्यू, अब क्या होगा? तो बोल रहा है उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा या नहीं? तो अरे भाई, इस क्यू के वजह से अंदर क्या रहने वाला है थ्रू आउट? सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाहर वाले चार्ज की वजह से है ना, बाहर वाले चार्ज की वजह से अंदर जो पोटेंशियल आएगा वो इसके पास ही होगा ना। मतलब अगर मैं बात करता हूँ क्यू आउट, तो यहां पर भी तो आउट की वजह से सेम ही आएगा ना, और इसके वजह से इसका खुद का भी रहेगा, जबकि आउट पर तो इंडक्शन वाला रहेगा, वो तो दोनों का क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब दोनों के बीच में अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि पोटेंशियल डिफरेंस सारे केसेस में क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक एक केस को अच्छे से इसमें समझना है, ध्यान देना है चीजों को। क्लियर है? तो सारे केसेस में एक बार पॉइंट पूरा समझाऊं, देखें सारे केसेस में एक बार देखता हूं, चाहिए तो इसे नोट्स में ऐड कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सारे केसेस हैं, मैंने स्फीयर से समझा देता हूं, जल्दी समझ आ जाएगा। नंबर वन, जब आपने चार्ज अंदर वाले को दिया,
अंदर वाले का कुछ पोटेंशियल आएगा वी वन, बट बाहर तो इंड्यूस चार्ज होगा ना, और इंड्यूस माइनस भी होगा और प्लस, तो आउटर वाले का रिजल्ट क्या आने वाला है? जीरो। इसलिए फर्स्ट केस में इंडक्शन के वजह से वहां पर रहेगा। सेकंड केस, चार्ज हमने कहां दिया? आउटर। यार अगर आउटर दिया तो पूरे इनसाइड क्या होगा पोटेंशियल? कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। अब अगर चार्ज अंदर रख दिया, तो ये इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, तो यहां पर कुछ क्यू वन इंड्यूस करेगा, यहां पर कुछ नेट की बात कर रहे हैं क्यू टू इंड्यूस करेगा, तो डेफिनेटली इन दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल आएगा। या फिर इंड्यूस करने के वजह से भूल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर नेट इंडक्शन का क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इस चार्ज की वजह से आर वन पर आएगा कुछ और आर टू पर, तो इसका मतलब डेफिनेटली दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर रहेगा। तो आइडिया समझ आया कि नहीं सबको? ठीक है, इसे जो है सेपरेट जो नोट्स बनाते हैं उसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन, चले 55 तक बताएं। कौन सा? 150। और बताएं 55 तक। ठीक है, चले वापस आते हैं। 150 तक ही काफी है, बाय द वे 150 तक काफी है। 150 डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब कांस्टेंट है। ये फोर पॉइंट्स हैं, तो करेक्ट रिलेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन में है? आई कैप जे कैप और बराबर है, मतलब कितने डिग्री पर जा रही है? 45। ये क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्जेस कहाँ कहाँ रखे हैं? -A,0, ये हुआ A, फिर 0, -A, ये क्या हुआ B, ये क्या हुआ C, ये क्या हुआ D। अभी देखो यार सब इक्वल है ना, तो ये लाइनें क्या बनाएंगी? एक 45 डिग्री ही बनाएंगी ना, तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आया? ये लाइन क्या है भाई? क्लियर ना? तो इसका मतलब क्या होगा? ए और बी बराबर होंगे, ए और बी बराबर होंगे, और किनका इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा? कम होगा, तो का वाला कम होगा, तो मतलब ए भी बराबर है, सी डी बराबर है, और सी डी कम होंगे। क्लियर है? यस। चले बताए 150 के आगे भी कर डाले हैं क्या आपने? पूरे 158 हो गए हैं क्या? यस सर। चले तो डाउट्स बता दें आप लोग। 158 तक कौन से डाउट्स हैं बताएं? 9। ओके चले ठीक है। आपने लेकिन ये चीज देखी होगी यार, शीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को कि अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, थरोली समझना है। और बिकॉज ये 12th का पहला पेपर है, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा मॉडरेट रखूं, बहुत ज्यादा प्लस नहीं, मॉडरेट रहेंगी चीजें। जितनी पूछी जाती हैं एग्जाम में उसी टाइप की चीजें ही रखेंगे। ओके ठीक है चले। ओके तो आज के लिए फिर इतना काफी रखते हैं, आगे नेक्स्ट अपन लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। ओके ठीक है चलो। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय बाय।